अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मैं करूंगा इस वीडियो में स्मार्ट 3 प्लस की अनबॉक्सिंग। स्मार्ट 3 प्लस पहली सी डिवाइस है जो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ सबसे सस्ती डिवाइस आ रही है। इसकी कंपनी प्राइस रखी गई है 17,000 रुपये के अंदर लॉन्च किया गया पाकिस्तान में उसको ऑफिशियल। और ये 2GB रैम विथ 32GB रोम की डिवाइस है और ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है इस डिवाइस के अंदर। तो देखते हैं अनबॉक्स करके डिवाइस देखने में कैसी है, हमें स्पेसिफिकेशन क्या मिल रही हैं और बॉक्स में एक्सेसरीज क्या मिल रही हैं। चलते हैं वीडियो में आगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं स्मार्ट 3 प्लस की अनबॉक्सिंग। बॉस का ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको और बॉस की साइड पे कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं लेकिन ये वारंटी कार्ड की वजह से छुप गई हैं। अभी हम इसको निकाल के देख लेते हैं और मेरे पास ब्लू कलर है। सबसे पहले हम इसको रैपिंग उतार लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वारंटी कार्ड है इन्फिनिक्स की तरफ से, 1 ईयर मैनुफैक्चरिंग वारंटी दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेन स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं डिवाइस की, जैसे यहाँ पे हमें मिल रही है 2GB रैम 32GB रोम और GPS मिल रहा है 3500 mAh की यहाँ पे बैटरी मिल रही है। एंड्रॉयड 9 बाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। 8 MP फ्रंट कैमरा है। बैक पे 10 कैमरा लगाए गए हैं। ट्रिपल कैमरा है, 13 MP प्लस 2 MP प्लस QVGA कैमरा है। और यहाँ पे प्रोसेसर मिलने वाला है। ये सब डिटेल स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको बताता हूँ डिवाइस को देखने के बाद। और हम बॉक्स खोलते हैं, डिवाइस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से ये बॉक्स ओपन होगा और यहाँ सबसे ऊपर रखी हुई है हमारी डिवाइस। डिवाइस के ऊपर भी उन्होंने एक कवर लगाया हुआ है। स्मार्ट 3 प्लस AI कैप्चर, 6.2 इंच HD प्लस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है और ट्रिपल AI कैमरा, 8 MP लो लाइट सेल्फी, डुअल 4G यानी दोनों सिम 4G सपोर्टेड हैं। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं कवर, इसके ये भी उतार दिया मैंने और बैक साइड का कवर भी उतार देते हैं हमने, ये भी उतार दिया। तो आप भी देख सकते हैं कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, ब्लू कलर। डिवाइस ऑन करता हूँ। तो डिवाइस जब तक ऑन हो रही है हम बॉक्स का मजीद कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ IMEI स्टिकर्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा है हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रही है हैंड फ्री, बुफर वाली हैंड फ्री है वाइट कलर की। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये हैंड फ्री भी दे रहे हैं, एक बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे हमें मिल रही है चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB केबल है। और उसके बाद यहाँ मिल रहा है हमें चार्जर इन्फिनिक्स की तरफ से। और ये चार्जर मैं आपको बता देता हूँ, 5W 1.2 एम्पीयर का चार्जर है। 5W 1.2 एम्पीयर का चार्जर दिया गया है बॉक्स में। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिम इजेक्टर पिन है, सिम इजेक्टर पिन मिल रही है। उसके बाद कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, इन्फिनिक्स के यूज़र मैनुअल्स हैं। और आखिर में हमें मिल रहा है इसका कवर जो कि हार्ड प्लास्टिक कवर है और ये अच्छा लग रहा है। इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया है, कुछ डिज़ाइन बनाया है इस पर पीछे बैक साइड पे, आपको अगर मेरा कैमरा सही से दिखा सके, ये कुछ बैक साइड पे डिज़ाइन बनाया है। और हार्ड प्लास्टिक कवर है, हमेशा सिलिकॉन आता था लेकिन इस दफ़ा, और उसमें प्रोटेक्टर भी मिल रहा है, वाओ प्लस पॉइंट। यानी इतनी सारी एक्सेसरीज हमें मिल रही हैं स्मार्ट 3 के बॉक्स में और 17,000 रुपये की प्राइस के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दे रही है डिवाइस और इसके साथ साथ ये सारी एक्सेसरीज भी दे रही है। तो एक अच्छी डिवाइस होने वाली है। अभी हम देखते हैं डिवाइस ऑन करके डिवाइस देखने में कैसी है। डिवाइस ऑन कर लेते हैं। एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 9 पाई। यहाँ पे हमारी डिवाइस ऑन हो चुकी है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं और डिवाइस की कुछ मेन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं डिवाइस का फर्स्ट लुक, डिवाइस देखने में कैसी है। और सबसे पहले राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड पे हमें मिल रहे हैं वॉल्यूम रॉकर्स, वॉल्यूम रॉकर के साथ यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। पावर बटन के ऊपर यहाँ पे हमें डिज़ाइन मिलेगा। इसके साथ ही अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे यहाँ सिम ट्रे मिल रही है और यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट लगाई गई हैं। आप यहाँ पे अगर अपने 2 सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं तो 3 कार्ड स्लॉट वाली डिवाइस मिल रही है आपको यहाँ पे। डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड पे हमें यहाँ स्पीकर मिलने वाला है, यहाँ पे हमें ऑडियो जैक मिलने वाला है और यहाँ पे हमें चार्जिंग जैक मिलने वाला है। तीनों चीज़ें डाउन साइड पर लगाई गई हैं। चार्जिंग जैक पे माइक्रो USB मिल रही है हमें।
इसी तरह बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड पे यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप विद एलईडी फ्लैश मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको चार साइड नजर आ रही होंगी। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है, यहाँ पे एलईडी फ्लैश लगाया गया है, बैक साइड पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, तो ये डिवाइस का प्लस पॉइंट है इस प्राइस रेंज के अंदर। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है हमें, हैंडफ्री भी मिल रही है, प्रोटेक्टर भी मिल रहा है और इसका कवर भी मिल रहा है। इसके साथ फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट साइड पर यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है हमें। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें सबसे पहले तो 6.2 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले मिल रहा है, एच डी प्लस डिस्प्ले लगाया गया है, रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है हमें 720x1520 पिक्सल्स का। तो डिस्प्ले वाइज वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है यहाँ पे, और नॉच थोड़ी सी यहाँ पे चिन देख सकते हैं आप, थोड़ी सी बड़ी मिल रही है हमें चिन, यहाँ पे बड़ी है, बेजल्स कम है और डिस्प्ले यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस देखी जाए तो यहाँ पे हमें चिपसेट मिल रही है एमटी मीडियाटेक की MT6761 की चिपसेट लगाई गई है। 2 GHz का यहाँ पे ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है हमें, और यहाँ पे 2 GB रैम विद 32 GB रोम की डिवाइस है यहाँ पे हमें जो मिल रही है। उसके बाद हम कैमरे पर बात कर लेते हैं इस डिवाइस के। यहाँ पे कैमरा हमें मिलने वाला है, इस डिवाइस में फ्रंट कैमरा मिलेगा 8 MP का, और ये फ्रंट कैमरा लगाया गया है इन्होंने, यहाँ पे नॉच के अंदर में मिल रहा है फ्रंट कैमरा 8 MP का मिल रहा है। बैक पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है जिसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है इन्फिनिक्स, यहाँ पे बैक पैक पे हमें मेन कैमरा मिलेगा 13 MP का, सेकंड कैमरा हमें मिलेगा 2 MP का, और थर्ड यहाँ पे QVGA कैमरा लगाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट करेगा 2 कैमरे को। हम देखेंगे कैमरे का रिजल्ट कैसा है, कैमरे का पिक्चर्स कैसी है, क्वालिटी कैसी है इसके रिव्यू के अंदर। अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ 13 MP प्लस 2 MP प्लस QVGA 3 कैमरा लगाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे डुअल LED फ्लैश भी मिल रहा है आपको बैक साइड पे। इसके साथ ही हम डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलने वाली है ऑपरेटिंग सिस्टम, देखें तो एंड्रॉइड वर्जन 9 मिल रहा है, एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड 9 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल रहा है यहाँ पे, और इन्फिनिक्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वर्जन हमें 5.0 मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। और यहाँ पे बैटरी की अगर बात करूँ तो 3500 mAh की बैटरी लगाई गई है इस डिवाइस के अंदर, 3500 mAh की बैटरी मिल रही है हमें। और इस डिवाइस के अंदर हमें फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिलने वाली है और फिंगरप्रिंट अनलॉक भी मिलने वाला है, तो दोनों अनलॉक फैसिलिटी आपको मिलने वाली है इस डिवाइस के अंदर। तो ये थी अनबॉक्सिंग इन स्मार्ट 3 प्लस की। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिवाइस के आपको कैसी लगी, डिवाइस के वाले से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।